है। एंट्री होनी चाहिए मस्जिद में, वो पार्टीशन की बात ठीक है कि पार्टीशन लाइक जेंट्स का अलग है, मैं लेडीज का अलग है। मैं खुद उमरा करी हुई हूँ एंड मक्का में जब ये सेग्रीगेशन नहीं है, कुछ मतलब सेपरेशन नहीं है दोनों के बीच में, वहाँ मक्के में लेडीज जेंट्स दोनों साथ नमाज पढ़ते हैं, मदीने में साथ नमाज पढ़ते हैं, पार्ट्स डिफरेंट है, लोगों की जगह अलग अलग है, बट हम मस्जिद में जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं। हमारी हज़रत आयशा भी जाती थी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने हमारे हुजूर पाक के साथ, तो वो जा सकते हैं तो हम औरतें क्यों नहीं जा सकते। उन वही हमारे लिए वो हैं, एग्जाम्पल हैं, तो हमें उनको लेके सब कुछ करना चाहिए। ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, सही चीज़ फैलाया नहीं जा रहा, बिकॉज मर्द अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। मस्जिद में अजान होती है और सभी नमाजी वजू के बाद इबादत के लिए खड़े दिखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मस्जिदों में सिर्फ आदमी ही क्यों नजर आते हैं, औरतें मस्जिदों में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? खुदा का घर सबके लिए होता है, सभी उसकी नजरों में एक बराबर होते हैं, तो फिर ज्यादातर मस्जिदों में औरतों के जाने पर रोक क्यों है? मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारों में औरतों की चहल पहल हमेशा दिखाई देती है, लेकिन क्या मस्जिदों में मुसलमान औरतों को इसी तरह देखा जा सकता है? बेशक इस्लाम अपनी औरतों को मस्जिदों में इबादत करने से नहीं रोकता, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ती हुई, सजदा करती हुई या फिर दुआएं मांगती हुई नहीं दिखती। सवाल के जवाब की तलाश में हम सबसे पहले पहुंचे मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद। नमाज का वक्त हुआ और लोग वजू खाने की ओर बढ़ने लगे। कश्मीर से आया एक जोड़ा भी नमाज अदा करने के लिए इबादत गाह की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक शख्स ने उस कश्मीरी औरत को टोका और बाहर जाने का इशारा किया। जब हमने उस शख्स से इस बारे में पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। ये यहाँ जो ये एरिया जो है ये वाला, यहाँ पे औरतें नमाज नहीं पढ़ती? नहीं, अभी जेंट्स आएंगे ना सब, यहाँ जो तो मादों में कहाँ पढ़ेंगे आप, तो यहाँ जैसे इतना इधर आगे पढ़ लें, सब आएंगे ना सब, अभी ये सब भर जाएगा अभी आप देखो, तो आप लेडीज में कहाँ पढ़ोगे आप जेंट्स। ये शख्स बार बार औरतों के लिए दरों में नमाज पढ़ने की बात करता है। दरअसल दर वो जगह होती है जहां राजा महाराजा बाहर का नजारा देखने के लिए खड़े होते थे। शहरी भाषा में दरों को बालकनी बोलकर भी समझा जा सकता है। जामा मस्जिद में हमें मर्द और औरत दोनों की नमाज की जगह में कई फर्क देखने को मिले। ये है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, और अभी जोहर का वक्त है, औरत और मर्द दोनों नमाज अदा कर रहे हैं। आप ये जो मेरे पीछे एरिया देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर मर्द नमाज पढ़ते हैं, और पंखे का बंदोबस्त है, कालीनें बिछी हुई हैं, लाइट का पूरा इंतज़ाम है, और इसके ठीक बगल में जो औरतों का जो नमाज पढ़ने की जगह है वो आप देख सकते हैं कि उसकी हालत क्या है। अगर हम देखें दोनों को कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर पंखे नहीं हैं, लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो फर्श है उस पर औरतें नमाज पढ़ रही हैं। और एक चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिली कि जो मर्दों का जो एरिया है वहाँ पर औरतें अलाउ नहीं हैं, उनकी वहाँ पर पाबंदी है, वो वहाँ पर आ नहीं सकती, लेकिन जो औरतों का नमाज़ पढ़ने का जो एरिया है वहाँ पर मर्द आराम से आकर बैठ सकते हैं और बैठे भी हैं। यहाँ पर वो जूते पहन सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ हमारी मुलाकात साइमा से हुई। जब हमने साइमा से ये सवाल किया कि औरतें मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं, तो इस बात के लिए साइमा ने मौलवियों को जिम्मेदार बताया। अच्छा, तो आप नमाज पढ़ रही हैं, जान नमाज वगैरह आप खुद से लेके आती हैं या इनकी तरफ से? दो चार नमाजें होती हैं, सिर्फ दो चार? और अगर ज्यादा हैं औरतें तो यहीं पढ़ लेती हैं फर्श पर? फर्श पे पढ़ सकते हैं, उधर जाना अलाउ नहीं है।
नहीं, वैसे तो मस्जिद में तो अलाउड औरत के लिए है ही नहीं। कोई कहता है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए औरतों का, तो मस्जिद में जाने अलाउड नहीं है। आप बोल रही हैं कि औरतों का नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है मस्जिद में? कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कि मस्जिद में, जामा मस्जिद की, वैसे तो मस्जिद किसी भी मस्जिद में अलाउड नहीं है। क्यों? औरतों का अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन इस्लाम में हदीस में तो कहीं नहीं है कि औरतों का मस्जिद में जाना अलाउड है। मोस्टली लोग जितने भी मौलवी वगैरह होते हैं वो यही कहते हैं। हम फिर से इन सवालों की तलाश में आगे बढ़े और रुख किया दिल्ली के निजामुद्दीन में बनी एक मस्जिद का। जब हमने इस गेट पर बैठे मौलवी से यहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमाज पढ़ सकते हैं सर? नमाज के लिए अलाउड नहीं है। लेडीज के अलाउड नहीं है? ओहो, मुझे लगा था यहीं पढ़ लेंगे। अलाउ क्यों नहीं है? अलाउ नहीं। ओहो, तो मैं सोच रही थी यहीं पढ़ लेती। नहीं, मैं कोई ऐतराज़ थोड़ी है, एक बात बताऊँ आपको, लेकिन अलाउ नहीं है क्योंकि मरकज तो हमारा लिए है। क्या नहीं, हम तो जिम्मेदार आदमी हैं बड़ी मरकज के, हमने बिठा रखे हैं, जो नियम बता रखे हैं भाई नियम की तरह। जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे कुरान शरीफ में भी तो लिखा है पढ़ सकते हैं। नहीं है भाई, हम तो मना नहीं कर सकते, तो हम गुनहगार आई हैं, लेकिन जब हमारे लिए अलाउ नहीं है तो हम आपको। मस्जिदों में औरतों की इबादत पर भले ही आज कोई पहल ना हो रही हो, लेकिन इसी हिंदुस्तान में औरतों की इबादत के लिए कई मस्जिदें बनवाई गईं। 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक इस मुल्क की कई रियासतों में मस्जिदें बनी। भोपाल की ताजुल मसाजिद हो या फिर बीजापुर की तारीखी मस्जिद, ये आज भी अपने मजबूत पायों पर खड़ी हुई है। बीजापुर, भोपाल, जौनपुर, हुगली और वडोदरा समेत कई शहरों में ऐसी मस्जिदें अभी भी हैं जिनका निर्माण 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक होता रहा और जहां औरतों की इबादत के लिए जनाने बनाए गए, लेकिन ये जनाने अब वीरान हैं और औरतें यहां बमुश्किल दिखती हैं। अगर एशिया को छोड़ दें तो दुनिया के कई बड़े हिस्सों में औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। ईरान, तुर्की, मलेशिया, अमेरिका, कैनेडा या फिर लंदन, यहाँ की मस्जिदों में मर्दों के साथ औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। पत्रकार शीबा असलम फहमी कई मुल्क घूम चुकी हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया। सारी दुनिया की मस्जिदों में औरतें जाती हैं, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, टर्की, इन सारी जगहों पे मैं खुद गई हूँ, मैंने देखा है। बहुत आराम से औरतें जाती हैं मस्जिद में और फैमिली की फैमिली आती है, उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों होती हैं। तो ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फीचर है जहाँ औरतों को मना किया जाता है। इन सवालों की तलाश जारी रहती है और हम एक बार फिर कोशिश करते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए जब हमने एक आदमी से मस्जिद का पता पूछा तो उसने मस्जिद का पता तो बताया, लेकिन इस बात को भी साफ कर दिया कि वहाँ औरतों का जाना मना है। ख्वातीन को आया, ये जमात ख्वातीन के लिए नहीं है। ख्वातीन के क्यों अलाउ नहीं करते? ख्वातीन पूरा जेंट्स हमेशा भरा हुआ रहता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मस्जिद की चौखट पर बैठे मौलवी से नमाज पढ़ने की इल्तिजा करते हैं। नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, ये नहीं। क्यों? ये नमाज नहीं होगा, ये मस्जिद है। मस्जिद है? हाँ, तो मस्जिद में ही तो पढ़ना ही है। लेडीज को नहीं होगा ये लेडीज को नहीं। क्यों नहीं? लड़कियाँ नहीं पढ़ती नमाज? नहीं, ये नहीं, यहाँ पे नहीं। क्यों? दरगाह नहीं, नमाज पढ़नी थी। नहीं, ये नहीं, नमाज पढ़नी थी। नमाज के लिए भी आपको आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाओ। आगे बोला कि इधर आओ। नहीं, इधर नहीं, उधर आगे जाओ, आगे जाके। तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन लेकिन ऐसे ऐसा क्यों औरतें नहीं पढ़ सकती हैं? बड़ा बड़ा जिम्मेदार बोल सकता है। मुसलमानों की सबसे पाक किताब कुरान शरीफ या फिर हदीस, कहीं भी औरतों को मस्जिद में इबादत करने पर मना ही नहीं है। तो आखिर औरतों पर पाबंदी का ये चलन कैसे शुरू हुआ? दरअसल 8वीं और 9वीं सदी में सुन्नी मुसलमानों के बीच चार बड़े मजहबी रहनुमा हुए, अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम हम्बल और इमाम मालिक। इन इमामों ने अपनी अपनी समझ के आधार पर इस्लामिक कानून की व्याख्याएं की हैं।
दुनिया भर में सुन्नी मुसलमान इनके ही बनाए इस्लामिक कानून को मानते हैं। हिंदुस्तान में बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान इमाम अबू हनीफा के समर्थक हैं और मस्जिदों में औरतों के जाने पर लगी पाबंदी की जड़ें इमाम अबू हनीफा की एक हिदायत में मिलती हैं। अबू हनीफा का मानना था कि औरतों को घर में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब यानी पुण्य मिलता है, तो उन्हें घर में ही नमाज पढ़नी चाहिए, उन्हें मस्जिद नहीं आना चाहिए। इमाम अबू हनीफा की हिदायत औरतों के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने बुजुर्ग औरतों को फज्र यानी सुबह, मगरिब यानी शाम और ईशा यानी रात की नमाज मस्जिद में ना पढ़ने की छूट दी थी। उन्होंने मस्जिदों में औरतों को कभी रोका नहीं, जिस तरह मौजूदा दौर की मस्जिदों में रोका जा रहा है। कुछ हिंदुस्तानी उलेमाओं ने अबू हनीफा की हिदायत को गलत तरीके से समझा और खुद ही नए कानून बना दिए। जब हमने इस मुद्दे पर दिल्ली के चांदनी चौक की मशहूर फतेहपुरी मस्जिद के इमाम से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, औरतों के लिए तो असल में पर्दे का हुक्म है, और अगर कोई औरत पर्दे की पाबंदी करते हुए शरीयत के लिबास को ध्यान में रखते हुए अगर वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती है, नफिल पढ़ती है या कुरान करीम की तिलावत करती है, तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत सख्त पाबंदी नहीं है। लेकिन औरतों के लिए अफजल यही है कि घर में रहें, और जहाँ तक हो सके घर में, खलवत में, तन्हाई में, जहाँ पर मर्द ना हो, दूसरे मर्दों की नज़रें ना पड़ें, तो औरतों के लिए अफजल यही है कि घरों में ही नमाज पढ़ें। वहीं इस मुद्दे पर जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट ने क्या जानकारी दी वो भी सुन लेते हैं। कोई नियम नहीं बना है, और कोई आदमी रोकता है तो उसके पास अपने आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में आती थी, जुमे में भी आती थी, ईद के मौके पर भी आती थी, और आम नमाज़ों में भी आती थी, ईशा में, फजर में और नमाज़ों में। उसके बाद खुलफा के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ख़वातीन बराबर मस्जिद में आती रही हैं, और अल्लाह के रसूल वसल्लम ही तो है ना हमारे लिए तो सबसे आखिरी अथॉरिटी। तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा कि औरतों को मस्जिद में आने से मत रोको, और ये भी कहा अपने सहाबा से कि अगर तुम्हारी औरतें तुमसे इजाज़त चाहें मस्जिद में नमाज पढ़ने की तो उन्हें इजाज़त दे दिया करो। हम आगे बढ़े और दिल्ली की आईटीओ पर बनी एक मस्जिद पहुँचे। यहाँ काफी मशक्कत के बाद हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो इजाज़त किसी खैरात जैसी थी। नमाज पढ़ सकते हैं? नमाज पढ़ सकते हैं? उधर है ऐसा करें, मदनी हॉल में पढ़ लिए अंदर। मदनी हॉल आप अकेले पढ़िएगा, पढ़ लीजिए यहाँ साइड में कहीं कोने में, यहाँ नहीं पढ़ सकते। यहाँ पढ़ सकते मगर औरत दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और इस्लामिक मामलों के जानकार डॉक्टर जफरुल इस्लाम कहते हैं कि खुदा के घर पर हर किसी का हक है, चाहे वो मर्द हो या औरत। खुदा का घर सबके लिए है, ये खुदा का कानून नहीं बल्कि इंसानों का बनाया कानून है। मना तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि मना है। अगर मना होता तो सबसे पहले खाने काबा जो मक्का में जो सबसे बड़ी मस्जिद जिसको सामने हम करके नमाज पढ़ते हैं उसमें मना होता, वहाँ तो कोई मना नहीं है, बल्कि वहाँ तो मुंह भी नहीं ढका जाता वहाँ पे। तो ये कहना कि इस्लाम में है ये गलत है, ये कोई भी कह रहा है वो गलत बयानी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जो दूसरी बात है कि सुरक्षा का मामला है, ये बात बहुत ज़माने से कही जा रही है कि माहौल ख़राब हो गया है और निकलने से बेहतर है कि पढ़ ले, तो वो बेहतरी वाली बात है, और ऐसा नहीं है कि दीन में कहा गया है ऐसा कुछ। अक्सर हम मस्जिदों में नमाजियों को देखते हैं, एक कतार में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, साथ में सजदा भी करते हैं और दुआ के लिए हाथ भी एक साथ उठाते हैं। मगर क्या औरतों को भी इसी तरह मस्जिदों में देखा जा सकता है? एंट्री होनी चाहिए मस्जिद में, वो पार्टीशन की बात ठीक है कि पार्टीशन लाइक जेंट्स का अलग है, मैं लेडीज का अलग है। मैं खुद उमरा करी हुई हूँ, एंड मक्का में जब ये सेग्रीगेशन नहीं है, कुछ मतलब सेपरेशन नहीं है दोनों के बीच में, वहाँ मक्के में लेडीज जेंट्स दोनों साथ नमाज पढ़ते हैं, मदीने में साथ नमाज पढ़ते हैं, पार्ट्स डिफरेंट है, लोगों की जगह अलग अलग है, बट हम मस्जिद में जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं। हमारी हजरत आयशा भी जाती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने हमारे हुजूर पाक के साथ, तो वो जा सकते हैं तो हम औरतें क्यों नहीं जा सकते? वही हमारे लिए वो है एग्जाम्पल है, तो हमें उनको लेके सब कुछ करना चाहिए। ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, सही चीज़ फैलाया नहीं जा रहा, बिकॉज मर्द अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
मगर सिर्फ यही तस्वीर पूरी नहीं है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के आसपास बनी जितनी भी मस्जिदों में हमारी टीम का जाना हुआ और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की तो पूरे अदब के साथ नमाज पढ़ने का मौका मिला। यहां तक कि मस्जिदों में मौजूद मुअज्जिन ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि महिला नमाजी को कोई तकलीफ ना हो। मगर सवाल फिर भी यही खड़ा है कि मजहब की आज़ादी मिलने के बावजूद औरतें मस्जिदों में क्यों नहीं दिखती, क्यों ये कोशिश नहीं होती कि अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है तो सहज होकर पढ़ सकती है और उसकी इबादत का पूरा इंतजाम हो। कनॉट प्लेस के आसपास ज्यादातर मस्जिदों में नमाज बेशक पढ़ने दी गई, मगर मस्जिद में एक लड़की का नमाज पढ़ने के लिए जाना मौलवियों और मौजूदा लोगों को थोड़ा असहज कर देता है। हालांकि इस्लामिक जानकार कहते हैं कि इस्लाम में मर्द और औरत के अलगाव पर जोर दिया गया है, मगर भारतीय मुसलमानों ने इस बारीकी को नहीं समझा और खुद को तब्दील करने के बजाय इस्लाम के नियम को ही बदल दिया।